अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोग का बहुत सारे सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खीमा भरी शिमला मिर्च, मतलब स्टफ कैप्सिकम की मैं रेसिपी आपको दूंगी। खीमे से हम बनाएंगे। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए, उसको स्लाइस कट कर लिया है। इधर मैंने 1 पाव शिमला मिर्च ले ली है, उसमें 6 पीसेस आए। अब मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हमें क्या करना है, इसका आगे देखते हैं। 1 टेबल स्पून इधर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, 7 से 8 मिर्च ले लिए हैं, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर आप इसको चॉप करना चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, इधर मैंने बारीक बारीक इसको कट कर दिया है। खीमा ले लिया है हमने, 1/2 किलो खीमा ले लिया, इसको धो वो के रख लिया था। इधर हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी लिए 1/2 टीस्पून। इधर मैं आपको बता देती हूँ शिमला मिर्च क्या करना है। हमें ऊपर का जो पार्ट है, हमें इसको ऊपर के पार्ट को कट करके इसके ऊपर के पार्ट को फेंकना नहीं है, इसको हमें रखना है। तो इधर मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि कैसे काटना है। तो इसको हमने ऐसे काट के इसकी बीच की जो फिलिंग है, मतलब इसका पार्ट निकाल के फेंक देना है इसको, और इसकी जगह हम खीमा स्टफ करेंगे। तो बस मैं आपको यहाँ पर काटना सिखा रही थी, बस इसी तरह हमने ये सारे कट कर देने। अब हमने इधर पॉट ले लिया, उसके अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज जो हमने कट करके रखी थी स्लाइस में, वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह अब इसको फ्राई करेंगे जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए इसमें। ये जो हमने ऊपर का पार्ट कट करके रखा था, इसको मैं आपको बता रही थी कि अभी हमें इसको फेंकना नहीं है, इसको इसी तरह हमने रख दिया था, आगे काम आएगा इसको। अब इधर प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, कलर चेंज हो जाए उसका, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे खीमा जो हमने धो वो के रखा था। बस इसको खीमा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। बस हमें अब अच्छी तरह मिक्स 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 करके इसको अच्छी तरह भून लेना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, मिर्चें ऐड करनी है, उसको भी डाल के अच्छी तरह भून लेना है। बस आप इसको अच्छी तरह भून लें, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्पाइसेस। इधर मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, इधर मैंने आपको पहले मेजरमेंट बता दिए है। तो बस इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको कवर करके छोड़ देंगे गलने के लिए। बस इधर थोड़ा गल गया है, 5 से 10 मिनट हो गए थे। अब हमें इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा फ्रेश धनिया, फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे हम इधर। उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके वापस कवर करके हम छोड़ देंगे गलने के लिए। बस इधर हमारा खीमा तैयार हो गया था, 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाया था और ये तैयार हो गया था। उसके बाद हमने इसको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो फिर हम इसको कैप्सिकम में ऐड करके फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब इधर खीमा ठंडा हो गया है, अब हम शिमला मिर्च के अंदर खीमा भर देंगे। ऐसे आपको फिलिंग भर देनी है, इसी तरह अब हम सारे ऐड कर देंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और ऐसे ही मज़ेदार सी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ना दबाना भूलें, ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। तो बस अब हम इसी तरह सारे
शिमला मिर्च में कीमा भर देंगे और बाकी जितना कीमा बचेगा उसको उसी में रहने देंगे। और हम अब इसको कवर कर देंगे, इसका जो ऊपर का पार्ट कट करके रखा था, फिलिंग भर के आपको इसको कवर कर देना है और फिर हम इसको ऐड कर देंगे भगोने में। इसी तरह हमने सारा काम करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में। अब हमने भगोना रख दिया था चूल्हे पे, आपको मीडियम आंच पे इसको पकाना है। अब हम इसी तरह आराम से शिमला मिर्च रख देंगे एक एक करके। बस हम अब इसी तरह सारे इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च को। बस ये सब करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा फ्रेश धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया था ऊपर से। बस धनिया ऐड करने के बाद अब इसे हम कवर कर देंगे और बस हमारा थोड़ी देर में ही ये तैयार हो जाएगा शिमला मिर्च का सालन स्टफ। कैप्सिकम आपको कैसी लगी आप ज़रूर अपनी राय का इजहार करिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हुई थी, इसको हमने खट्टी दाल के साथ इंजॉय किया था। तो ये डिलीशियस सी रेसिपी तैयार हो गई है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी।